मुझे इसको पहले डिस्प्ले करूं। देखो यहाँ पे जो है हमारे पास में एक पोको M3, पोको M3 जो मोबाइल है उसमें टच नहीं चलती है, तो आपको इसमें क्या करना है, कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूँ यहाँ पे कि आपके पास में पोको M3 आता है जिसमें टच प्रॉब्लम रहती है, टच काम नहीं करती है, तो इसको कैसे आप यहाँ पे ठीक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा जो यहाँ पे आप कनेक्टर लगाएंगे ना, हमारे जो डिस्प्ले और टच कनेक्टर जो यहाँ पे इसमें, तो एक ही में दिया है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप टच यहाँ पे लगाते हैं, तो टच जब यहाँ पे लगाएंगे तो हमारे सबसे पहले सप्लाई आपको पहले समझना है, ठीक है ना, अच्छे से समझना है, उसके बाद में आपको रिपेयरिंग करनी है। एक बार समझ लेंगे तो आपको आगे प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। तो देखिए हमारे जो यहाँ पे इस कनेक्टर में, तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारी सप्लाई है 28 नंबर की पिन पर, ठीक है, जो 28 यहाँ पे पॉइंट दिया है इसमें, आप यहाँ पे जब चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारी सप्लाई कितनी आनी चाहिए, ये यहाँ पे हमारी सप्लाई देखिए यहाँ से। यदि आपके पास में बोर्ड नहीं हो तो अच्छा है, बोर्ड नहीं हो तो मैं आपको वीडियो देता रहूंगा इनके बना के, जिसका भी चाहिए कमेंट कर सकते हैं। VREG L91P, तो इसका 1.8 की सप्लाई हमारी सबसे पहले चेक करनी है। ये कहाँ से आ रही है हमारी, सीधा जो पावर आईसी के इस पॉइंट से निकल रही है। लेकिन जहां पे सप्लाई आईसी खराब है या ठीक है, उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा एक कैपेसिटर है ये वाला, इस पर 1.8 की सप्लाई आती है तो पावर आईसी आपको वर्क कर रही है, और इस कैपेसिटर पर 1.8 की सप्लाई नहीं आती है तो आपका आईसी के अंदर प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो हमारा सप्लाई नहीं आती है तो आईसी में प्रॉब्लम, यहाँ सप्लाई आती है और इसके बाद में हमारी सप्लाई कहाँ जा रही है, वहां से सीधा यहाँ पे इन पॉइंटों पे जा रहा है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ पे आ रहा है। तो उस कैपेसिटर से आप इस पॉइंट पे यहाँ पे जम्पर दे सकते हैं सीधा, ठीक है, सीधा। लेकिन इस काम को वही करें जो पहले से रिपेयरिंग करते हैं, फ्रेशर बंद फ्रेशर जो भी है वो इसको ना करें। तो हमारे को यहाँ पे GR भी चेक करना होता है, GR के बारे में आपको पता होना चाहिए कि GR होती क्या है। तो हमारा जो यहाँ पे सबसे पहले इस पॉइंट को चेक करें, इस पॉइंट को चेक करने के बाद में हमारी कुछ लाइनें हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि 1.8 का मैंने बता दिया। एक है CTP, RST CTP EINT, ये हमारे सिग्नल है जो कि CPU से आते हैं। तो 36 नंबर का जो पॉइंट है 36, इस पे जब आप चेक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये इस पे जा रहा है, इस कंपोनेंट से हमारी लाइन निकल के CTP RST की लाइन यहाँ से सबसे नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। जब आप यहाँ पे चेक करेंगे वीडियो एक बार अच्छे से देख लें, तो ये हमारा कहाँ से आ रहा है, CPU से। तो डायरेक्ट ये लाइन CPU से हमारी निकल गई। यदि इस लाइन में प्रॉब्लम है, कहाँ पे है, तो इसको कैसे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे कहीं चेक नहीं करना आपको, सीधा सीधा CPU में प्रॉब्लम है या सिग्नल नहीं मिल रहा, तो आपको यहाँ पे जो है एक कंपोनेंट है यहाँ पे, ये इस रेजिस्टेंस के इस सिरे पे, इस साइड पे जो है हमारा यहाँ पे GR आना चाहिए, ठीक है। और GR आ रहा है तो CPU ठीक है, GR नहीं आ रहा है तो CPU में प्रॉब्लम है। उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना, पहले चेक करना अच्छे से, फिर वहां पे उसी के हिसाब से आपको जो रिपेयरिंग करनी है, GR है या नहीं। यदि यहाँ पे GR है तो CPU से यहाँ तक लाइन रुक के, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सीधा जम्पर लेके, यहाँ से सीधा जम्पर लेके, जैसे ये लाइनिंग जो आ रही है एक तरीके से जम्पर के रूप में, 36 नंबर के पॉइंट पर आपको यहाँ पे जम्पर दे रहा है। उसके बाद में CTP RST की लाइन, ये हमारी लाइन यहाँ पे आती है, ये भी CPU से आती है, इसको भी दिखा देता हूँ मैं। देखिए CTP RST की लाइन हमारी CPU से आ रही है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसके दूसरे पॉइंट से बॉल जो है हमारा, इसके बाद में हमारी जो लाइन है सीधा यहाँ पे एक कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट पे GR आती है हमारा, तो हमारा CPU ओके है, GR नहीं आती तो CPU में प्रॉब्लम है। तो ये 36 और 37 इन दोनों पे आपको चेक करना है। इसके बाद में हमारा 38 नंबर 38 जो है TP, ठीक है, TP जो है, ये TP का मतलब होता है टच पॉइंट, जो टच है आपकी वो यहाँ पे क्लॉक मिसो मिसो CS नेगेटिव की लाइन जो हमारी यहाँ पे मिलती है सिग्नल जो है।
अब ये जो हमारे सिग्नल है, ये टच में हम जो भी काम करते हैं, टच वर्क इनसे करती है, हमारी सप्लाइयां हैं तीनों, ठीक है। अब हमारा जो है इसमें TP-SPI क्लॉक, ये कहां से आ रहा है? आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी ये लाइनें थी, ये सारी लाइन हमारी सीपीयू से आ रही हैं, जो कि यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट नहीं दिया। यदि इस किसी लाइन में प्रॉब्लम है तो आपका सीपीयू से प्रॉब्लम है या नहीं है, उसे चेक करने के लिए हम हमारे पास में यहाँ पे कोई कंपोनेंट है या नहीं। देखिए इसमें यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं है, ये डायरेक्ट जो है सीपीयू से लाइनें हमारी जुड़ी हुई हैं और इन पे GR नहीं आता है, तो आपको सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ सकता है, ठीक है। सीपीयू ड्रिल करके भी आप यहाँ से जम्पर ले सकते हैं, जैसे कि मैं बता देता हूँ यहाँ पे है, इसमें कोई सिग्नल नहीं है। आपको सीपीयू जब ड्रिल करना है तो यहाँ पे हमारे को पॉइंट अच्छे से मैच करने हैं, बहुत अच्छे से। जब यहाँ पे जब आप जाते हैं इसमें इस रेजिस्टेंस के इस पॉइंट पे, यहाँ पे एक पॉइंट छोड़ के फिर ये तीसरा पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग एक आप यहाँ पे जम्पर करेंगे आईसी को ड्रिल करने के बाद में, यहाँ पर सारी पॉइंट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर से GR जो है आपको स्क्रेच करके निकालना है और सीधा आप जम्पर जो भी लाइन में प्रॉब्लम है वो सीधा आप यहाँ पे इस पे जम्पर से जो कर देंगे। अब इससे होगा क्या कि आपका लाइन जो है यहाँ पे मिल जाएगी और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हमारी ये सारी लाइन इसमें इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको यहाँ पे जो है ये अच्छे से चेक करनी, टच नहीं चलता पोको M3 का। तो अब ये मान लो कि आपकी सारी लाइनें यहाँ पे ये ओके हैं, फिर भी टच नहीं चल रहा, तो आप टच चेंज करके देखेंगे, फिर भी नहीं चल रहा, टच चेंज कर लिया नहीं चल रहा, और हमारा ये सारी लाइन पॉइंट ओके है। अब इसके बाद में जो ये कनेक्टर है आपका, ये कनेक्टर आपको चेंज करना होगा, ठीक है। तो कनेक्टर में भी प्रॉब्लम होती है, इन पॉइंटों पे GR है और टच लगा दिया इस पर आपका नहीं चल रहा, तो आपको जो है चेंज करना है। तो इस तरीके से आप इनको जो है चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने दिया है। यदि आपको और भी किसी मॉडल का चाहिए तो आप मेरे को यहाँ पे जो कमेंट